नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। हम आपको झटका मशीन की वायरिंग और इसके क्या क्या फॉल्ट आते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, तो आपको इसमें पूरा आपको नॉलेज देते हैं इनके वायरिंग बारे में और क्या क्या फॉल्ट आते हैं इसके बारे में पूरा आपको गाइड देते हैं। तो दोस्तों, ये झटका मशीन की PCB है। तो ये झटका मशीन का ये डायोड लगा हुआ होता है, ये होता है कैथोड और ये वाला एनोड। तो दोस्तों, कैथोड वाला ये डायोड लगा हुआ होता है, यहाँ पर लगता है ये सफ़ेद वाला चिन्ह दिया हुआ, यहाँ पर कैथोड आता और यहाँ पर एनोड। तो यहाँ लाइन होती है वो कैथोड होता है, ये होता है एनोड। तो दोस्तों, इसमें डायोड लगाने वाले डबल डायोड होते हैं, आप डायोड लगाना ज़रूरी होते हैं क्योंकि डायोड आपस में ओपन हो जाते हैं, सीरीज बनानी होती है, ओपन होने पर ये झटका देना बंद कर देती है, इसलिए यहाँ पर डायोड लगाना हुआ होता है। तो दोस्तों, ये होती है LED जो इस झटका मशीन स्टार्ट करने पर ये शो करती है। इसमें ये बड़ा वाला भाग दिख रहा है, ये होता है माइनस, ये इसमें छोटे वाला भाग होता है प्लस। तो दोस्तों, आप LED इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, सीधी आग लगा सकते हैं बिना रेजिस्टेंस ही। तो दोस्तों, अभी ये ट्रांसफार्मर के वायर के बारे में बता दें। ये वाला झटके का वायर, इसमें कोईल होती है सिटी कोईल, ये इसमें एक टन देना हुआ होता है। तो दोस्तों, टन ऐसे देना हुआ होता है, अगर आपको हॉर्न कम बज रहा है तो आपको इसको टर्न को ऐसे घुमाकर इधर की ओर से लगाना हुआ होता है, ऐसे इधर की ओर ऐसे घुमाएंगे तो आपको हॉर्न ज़्यादा बजेगा और इधर से ऐसे घुमाएंगे तो हॉर्न कम, ये वोल्टेज कम ज़्यादा ऐसे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका सिटी कोयल के बारे में आपको बता दिया, जो ये सिटी कोयल का वोल्ट वायर जुड़ते हैं वो लाल वाला वायर यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप और काला वाला यहाँ पर, और ये बैटरी का वायर है प्लस और माइनस का। ये सायरन बोर्ड का वायरिंग के बारे में बताते हैं आपको, ये होता है काला वाला माइनस, ये होता है प्लस। और दोस्तों, ये होता है OEM कंट्रोलर, जो सायरन ज़्यादा सेटिंग होती है सायरन की, इसमें उल्टा सीधा वायर नहीं होता, एक बीच वाली पोल पे लगाना होता है, एक साइड वाली यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सायरन का कंट्रोल होता है, सायरन जो नमी में ज़्यादा बजता है तो इसको यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सायरन का होता है ये वाला प्लस, तो ये होता है काला वाला माइनस। आप देखते हैं वायरिंग के बारे में बता दिया है दोस्तों। ये लाल वाला वायर होता है जो यहाँ से आता है बैटरी से, ये स्विच में से घूम करके यहाँ पर प्लस का होता है, और ये होता है सीधा बैटरी पर माइनस आता है। तो दोस्तों, यहाँ से लेना होता है सायरन बोर्ड का कनेक्शन, यहाँ से लेने होते हैं। दोस्तों, सायरन बोर्ड कभी ख़राब हो जाता है तो सायरन बजता ही रहता है, तो बीच इस तार को यहाँ से कट करके यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं, तो फिर आपको सायरन बंद करने के लिए स्विच यहाँ आप लगा सकते हैं ऐसे, इसको यहाँ से कट करके। वो तो कैपेसिटर होता है, इसके माइनस प्लस नहीं होते हैं, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बीच वाली कनेक्टर पर लगा सकते हैं ये इनके यहाँ पर। दोस्तों, ये होता है झटके वाला तार, तो यहाँ लाल वाला यहाँ पर यहाँ लगता है, और ये होता है ज़मीन अर्थ वाला, तो यहाँ इस कनेक्टर पर लगाना हुआ होता है आपको सॉकेट पर। तो दोस्तों, आपको ये बता दिया माइनस का बैटरी वायरिंग के बारे में पूरा आपको बता दिया है। अब इसमें फॉल्ट क्या क्या था इसमें बारे में बताऊँगा दोस्तों। ये डायोड होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं तो मशीन फटाके की आवाज़ आती रहती है, जैसे ऐसे ये आवाज़ आ रही है ऐसे, और यहाँ पर झटका नहीं आता है तो ये डायोड ओपन हो जाता है। तो आप डायोड, इन्हें चार डायोड में से कोई भी डायोड एक ओपन हो जाता है तो ये डायोड नया लगाना हुआ होता है। फिर दोस्तों, एक इसमें सिर्फ सीटी की आवाज़ आती है और पटाखे की आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल हल्की सी सीटी आती है। तो ये MOSFET होता है इसमें ST6025 या TYN616 भी आप लगा सकते हैं, और ST6025 भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये ख़राब होता है, ये बदलते ही सीटी की आवाज़ सही हो जाता है आपका सेट, और ये भी ख़राब हो सकता है 2N6027। तो दोस्तों, बिल्कुल सीटी कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये यहाँ पर मीटर से चेक करना हुआ था इस डायोड पर, यहाँ क्या तोड़ पर 12 वोल्ट आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये MOSFET लगा होता है, 540 लगा सकते हैं आप, 840 भी लगा सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, फिर ये स्टार्ट हो जाता है, ये ख़राब होता है। पर फिर दोस्तों, ये जिनर भी कभी आप ये लगाने पर भी सेट होकर नहीं होता, तो ये जिनर होता है IN4739, ये जिनर आप इनको एक बार निकाल के चेक करना होता है। निकालने के बाद में ये झटका आपका चालू हो जाएगा, फिर बाद में इसको जिनर को नया लगाना हुआ होता है, ये जिनर शॉर्ट हो जाता है वोल्टेज ज़्यादा आने से। तो दोस्तों, आप ये कैपेसिटर पर चेक कर सकते हैं, मीटर से 12 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पे।
तो दोस्तों इसके बारे में भी बता दिए हैं, ये इंडिकेटर के बारे में आपको बता दिए हैं और ये साइरन के बारे में सब आपको बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है। तो दोस्तों हमारे इस तरह के हमें आपको चालू करके दिखाते हैं इसको सेट को। तो दोस्तों ये झटका आ रहा है या साइरन भी बज रहा है, झटका भी आ रहा है आपके आपकी चालू स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।